शब्द संवाद गोरखपुर लिटरेरी फेस्ट में शनिवार को पहले सत्र में छोटे शहर के चमकते सितारे फिल्म निर्देशक सुशील राजपाल, वरिष्ठ पत्रकार संजय सिंह, एबीपी न्यूज के एंकर चित्रा त्रिपाठी तथा राज्यसभा टीवी की एंकर अमृता चौरसिया के महानगर से अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करने की यात्रा के अनुभवों को लोगों से साझा किया। दोनों शहरों में सोच में और फ्रीडम ऑस्पिरेशन था, तो मैंने सोचा कहीं ना कहीं कुछ तो जगह होगी, तो खोजना शुरू कर दिया। कितनी लाइब्रेरी जिसमें यह बताया गया हो उतने कैसे बन गई, बहुत मुश्किल से बनता। कई जगह छोटी सी जड़ तक आदमी को हिला देता है कि आप उसके बारे में हर चीज़ जानना चाहते हैं। वैसे करके इसी अप्लाई किया था, जिसके लिए माँ बाप ने भेजा है, मैंने अभी घर पे बताया नहीं था। अगर यहाँ पर जनरेशन का फर्क हम लोग घर से निकाल रहे हैं या पैसे देना बंद हो गया, तो आखिर वो दिन भी आ ही गया। घर से थोड़ा की थी तो हॉस्टल में सबको मालूम था, किसी को बताना नहीं है कि ये राजपाल गया था, सबको मालूम था कि आप अपने शौक से अपनी जिंदगी कमा सकते हो, उससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती। तो मैं सबको बोलना चाहता हूँ कि अगर आपके बच्चे को अलग करना चाहते हैं और उनको करने दीजिए, सो रहा है आई एम श्योर जमाना इतना बदल चुका है कि वो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सकते हैं और सर्वाइव भी कर सकते हैं और उनको मजा भी आए। अपने शौक से और इतना भरोसा किया कि थोड़ा बहुत कागज के दिनों में मैं आवारा हो गया, और ये आवारापन ही मुझे पत्रकारिता की जगह पर इसमें पहुंचाने का काम किया। थोड़ा जरूरी है पत्रकारिता में, थोड़ा सा आवारापन जरूरी है, दीपन जरूरी है, जोश जरूरी है, जुनून जरूरी है। चित्रा जी सामने है, युवा जगत के पढ़ेता है, आदर्श है, कोई फार्मूला तो दूना चार नहीं होगा, उसने पत्रकारिता का भी कोई फार्मूला तो दूना चार नहीं होगा। ये सतत प्रक्रिया है, ये निरंतरता में भी चलने की वजह से आप आगे कुछ कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस और कंटिन्यूटी ये बहुत जरूरी है। मैं तो ब्राजीलियन लेकर पावले कोले की किताब है, पावले कोले की किताब है, उससे बार बार पढ़ता हूँ, उसकी कुछ लाइनें मैं आपको बताता हूँ। उसमें लिखा हुआ है कि हमें तुलना अतीत से मतलब है ना हमें भविष्य से मतलब है, हम तो सिर्फ वर्तमान में जीना चाहते हैं, वर्तमान में जीते हैं, आज और अभी में जीते हैं। अगर आप अपने वर्तमान में जी सकें, मन लगा के जी सकें, तो रेगिस्तान में भी आपको जिंदगी नजर आएगी। बहुत सारे लोगों ने बताया, मैं साइंस में स्टूडेंट था, मैंने एमएससी की मस्जिद से किया इसी गोरखपुर विश्वविद्यालय से, और मैं पत्रकार बन गया स्वतंत्र जितना अखबार में मुझे पत्रकारिता का गिरा स्टूडेंट लाइफ में ही लाने हुआ था। कॉलेज की मैगजीन में पढ़ रही छोटे से कस्बे में पिताजी प्रोफेसर थे, मैं वहाँ हाई स्कूल और इंटर और बीएससी में ले गया, और कॉलेज की पत्रिका में लिखने का अवसर मिला, और वह आर्टिकल दूसरे नाम से छप गया। जो आर्टिकल मैंने दिया उसे गुरु जी जिन्होंने संपादक जिसको दिखाया तो उन्होंने अपने नाम से, लेकिन एक जो पिता जो प्रवेश कर चुका था वो बुला रहा एमएससी करने के बाद गवर्नमेंट जॉब छोड़ करके एक साल मैंने गवर्नमेंट जॉब किया। फिलहाल नहीं बताना, कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो एक लेवल ये पहले भी माना जाता था ना, हम लोग तो कोई मास्क नहीं था, कोई कोर्स नहीं था, तो इसको अपने मन में आया पत्रकार बनना है तो बनना है, समाज सामाजिक स्वरोजगार की वजह से पत्रकार बने। और मैं यू भी चला गया, पता चला कि निर्णय को क्या भैया जी ब्रेक देते हैं, हम उनके आभारी है गुप्ता जी, वहाँ से निकले हुए बहुत सारे पत्रकार बड़े बड़े जगहों में हैं, और नहीं करना चाहिए क्योंकि हमने वो जगह
अपने विरोधियों में आ जाने हो नहीं होंगे, हमें छोटी जगह में ही मुश्किल पूछना है। तो मुझे थोड़ा शौक होता था कि मैं भी हूँ, तो मुझे अवसर मिला, मैं दिल्ली गया, दिल्ली राष्ट्रीय सहारा में चाहिए कि वो जिंदगी के गणितीय सूत्र पर एक करणी लगा करके वर्गमूल निकाल दें। इसलिए बेहतर ये है कि आप अपनी जिंदगी के पहले दूसरे और तीसरे स्टेशन से शुरू हुई थी, अब चौथे स्टेशन तक पहुंचाते हैं। अमृता चौरसिया जी हमारे बीच में है, आप भी गोरखपुर का जाना माना नाम रही है, गोरखपुर से ही आपने अपने कैरियर को शुरू किया और आज आप राष्ट्रीय फलक पर, और सबसे बड़ी बात और गौरव की बात यह है कि संसदीय चैनल राज्यसभा टीवी और लोकसभा राज्यसभा टीवी तक आपकी पहुँच हुई, तो ये यात्रा आपकी कैसी रही और आपको किन किन संघर्षों का और चुनौतियों का सामना करना पड़ा, ये हम संक्षेप में जानना चाहेंगे, उसके बाद फिर हम आप लोग अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बातचीत की शुरुआत करेंगे। हजारों आंखियां चली, जो फूल खिले थे वो फूल खिलते रहेंगे। नमस्कार, आपकी बेटी अमृता चौरसिया, मन से बहुत आनंदित हूँ, खुश हूँ, शब्द नहीं है इसको बयां करने के लिए, क्योंकि वो शहर जहाँ पे जमीन से यात्रा शुरू की आज वही आमंत्रित किया गया है अतिथि के रूप में, थोड़ी शर्म भी है, थोड़ी दया भी है। मेरे गुरुजन मेरे सामने बैठे हुए हैं और हर्ष सक्सेना सर का नाम स्पेशली लेना चाहूंगी, उन्होंने मुझे डिफेंस स्टडीज पढ़ाया था। ये सारे जो हमारे गुरु थे, मेरे सहयोगी थे, सभी का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल रहा कि आज हम इस जगह पे आके पहुंचे हैं। एक छोटा सा गोरखपुर के जितने भी गांधीवादी विचारक हैं, एक महीने तक अपनी साइकिल लेके मैंने सबके घर के चक्कर लगाए थे कि मेरी स्क्रिप्ट बेहतर तैयार हो सके और मैं राष्ट्रीय पदक पर गोरखपुर विश्वविद्यालय के लिए अच्छा परफॉर्म कर सकूं। हमेशा संरक्षण में क्यों रखा जाता है और क्यों हम रहे संरक्षण में, क्या हम